तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ क्लास 12th इंग्लिश प्री बोर्ड का फुल सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर क्वेश्चन एक के सारे आंसर देख सकते हैं, राइट आंसर। पहले में आएगा ऑटोमेशन सेव टाइम एंड लेबर, दूसरे का है द प्रोसेस बाय विच मशीन्स कैन बी यूज्ड टू वर्क फॉर अस, तीसरे का है टू डायग्नोज द नेचर ऑफ पेशेंट्स इलनेस, चौथे का है कंप्यूटर्स कैन रूल ओवर ह्यूमन बीइंग्स, पांचवे में आएगा एनेबल, छठे का है अल्टरनेट, सातवें में ऑटोमेशन, आठवें में है कंप्यूटर्स, नौवें में है रिलाइव्ड और दसवें में है कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर टू में है, टाइटल में आपको लिखना है डॉल्फिन्स और नोट्स आप देख सकते हैं नीचे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये पॉइंट बनाकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको देख सकते हैं नीचे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर में है, देखिए आप, एप्लीकेशन है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। आपको एप्लीकेशन में अपना नाम नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है वही नाम लिखना है। इसके अथवा में था जो, वो भी हमने किया है। अगर आपको वो करना है तो ये वाला भी आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा एक। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर है, देख लीजिए। ये इसमें आपको आर्टिकल लिखना था लगभग 200 वर्ड्स में, तो हमने कोरोना या पेंडेमिक पर लिखा है, देख सकते हैं आप। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो इसके अथवा में था वो भी हमने किया है। आपको अगर ये नहीं लिखना है तो आप ये वाला लिख सकते हैं। इसमें आपको रिपोर्ट लिखना था एक लगभग 200 वर्ड्स में। ये भी आप लिख सकते हैं या फिर टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर छः में है फिल इन द ब्लैंक्स, तो इनके राइट आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसमें से आपको कोई भी पांच करने हैं, छः दिए हुए हैं आपको। तो पहले में आएगा एन, दूसरे में आएगा एस और तीसरे में इन, चौथे में सम और पांचवा छोड़ दिया है हमने, छठा लिख सकते हैं उसकी जगह पर आप, उसमें आएगा कैन। क्वेश्चन नंबर सात में है डू एज डायरेक्टेड, इसमें भी आपको कोई पांच करना है, आपको छः दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट आंसर। पहले का है सोनिया
सोनिया डिड हर ड्यूटी, तो इसका नेगेटिव बनाना है हमको, तो इसका हो जाएगा सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी। इसके बाद तीसरा है इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, इसको हमें रीराइट करना था अनलेस का यूज़ करके इसको इफ़ की जगह पे, तो इसका हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। और चौथा है इसमें आपको दो सेंटेंस दिए गए थे, इसमें आपको कंबाइन करना है उनको रिलेटिव क्लॉज से, तो उसका हो जाएगा द मैन हु ब्रिंग पोटैटोज हैड नॉट कम फॉर 2 डेज़। पांचवा दिया गया है, इसको आपको वॉइस चेंज करनी है, दिस न्यूज़पेपर न्यूज़ सरप्राइजेज मी, तो इसका हो जाएगा आई एम सरप्राइज्ड बाय दिस न्यूज़। छठा है इसमें आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना था, तो इसका हो जाएगा आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्ज़ाम। क्वेश्चन नंबर 8 है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, तो आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया था उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर लिखने थे, तो इसमें पहले में आ जाएगा डी रेट द रेट ट्रैप, दूसरे में आ जाएगा डी वाला मेजर, तीसरे में आ जाएगा ए स्टे अलाइव, चौथे में आ जाएगा अ लुइस फिक्स्चर, पांचवे में आ जाएगा अ स्पार्कल। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आपको दो दिए गए हैं ए और बी, तो इसमें पहले का हो जाएगा बी वाला फ्राइडे, दूसरे का हो जाएगा ए वाला हर मदर, और तीसरे का हो जाएगा सी वाला माय मदर एट 66। बी वाले के आंसर लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं, पहले में हो जाएगा ए वाला 52, दूसरे में हो जाएगा सी वाला टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक, तीसरे में हो जाएगा बी वाला ए टेफलॉन फैब्रिक, चौथे में हो जाएगा ए वाला अ मैटर। क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपको कोई भी 5 करने हैं, तो यहाँ पर हमने 7 कर दिए हैं, तो उसमें से आपको जो भी पसंद हो वो वाला आप कर सकते हैं, या जो आपको छोटा लगे वो वाला आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका या फिर लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन 3 है व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 4 है लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पांचवा है हु इज़ टुडेज वर्ल्ड इज़ आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज़, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। इसमें हमने 7 क्वेश्चन किए हैं, आपको जो कोई भी 5 पसंद हो वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डिड द पेडलर डिसाइलिन द इनविटेशन, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स,
इसमें आपको तीन करने हैं, इसमें आपको पांच दिए हुए हैं, कोई से भी तीन करने हैं, इसमें हमने चार किए हैं, तो आपको जो पसंद हो वो कोई से भी तीन कर सकते हैं आप। पहला है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड द लेट विंटर्स मून, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, डज द वाट पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ द स्लम्स, तीसरा क्वेश्चन है, वाट विल काउंटिंग अप द 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इसके बाद हमने चौथा नहीं किया है, उसकी जगह पर पांचवा किया है, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसमें से आपको कोई से भी तीन करने हैं, हमने चार कर दिए हैं, आप कोई सा भी तीन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू, इसमें आपको तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से आपको कोई से भी दो करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, इसका आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, हु वाज डॉक्टर सेदो, वेयर वाज ही हिज हाउस, तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन थ्री है, व्हाट डू यू थिंक वाज जोस प्रॉब्लम, इसमें भी आपको कोई से दो करने हैं, मैंने तीन कर दिए हैं, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी टू, इसमें भी आपको तीन दिए हैं, उसमें से आपको कोई से भी दो करने हैं, तो आप देख सकते हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाउ डिड मिस्टर हैमेल पे ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज, देख सकते हैं आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज, आप इसका आंसर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री है, राइट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, इसमें भी हमने तीनों कर दिए हैं, तो आपको कोई से भी जो दो पसंद हो वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट द आंसर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स, इसमें आपको अथवा में प्रश्न दिया गया है इसके, तो आपको जो पसंद हो कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है आपको। व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, इसका आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है, या फिर ये आप ये वाला कर सकते हैं या ऊपर वाला कर सकते हैं। इसमें दिया गया है, व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू व्हाई इट इज़ इन वैन, इसका आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट द फॉलोइंग सॉरी राइट द आंसर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स, इसमें भी आपको इसके अथवा में दिया गया है क्वेश्चन, दोनों में से एक करना है आपको। व्हाई इज़ द अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। और इसके अथवा में है, व्हाट आर द वे इन विच मिस्टर लैम्स ट्राइज टू ओवरकम हिज फीलिंग्स। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।